दोस्तों मैं अमित यादव। दोस्तों उत्तर प्रदेश का हाथरस केस, इस मामले की जांच के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश हो चुकी है। एसआईटी भी मामले की जांच कर रही है। इसी बीच जिन चार लड़कों पर आरोप है उनके परिवार वालों का बयान आया है। उनके परिवार वालों ने क्या कहा आप भी जान लीजिए। इस मामले में चार आरोपी हैं, संदीप जिसकी उम्र 20 वर्ष है, रवि जिसकी उम्र 35 वर्ष है, रामू की 27 वर्ष और लौकुश की 19 वर्ष है। संदीप, रवि और रामू तो एक ही परिवार से हैं, चारों ठाकुर परिवार से हैं, यानी कि सवर जाति के, और इनके परिवार का मुख्य काम खेती बाड़ी का है और मुख्य तौर पर ज्वार बाजरा उगाते हैं। उनमें से एक दोषी संदीप के भाई हरिओम ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि अभी 6 महीने पहले ही संदीप की नौकरी लगी थी दिल्ली में और लगभग हर महीने 6,000 कमा रहा था। उसमें से कुछ पैसा घर भी भेजता था। कुछ दिन पहले उसके पैर में गांठ पड़ गई थी, इसी वजह से गांव आ गया था। 14 सितंबर यानी कि घटना वाले दिन भी बाकी दिनों की तरह ही सामान्य था। सुबह संदीप 12 बजे में लेटा था, उसके माता पिता जानवरों को चारा देकर आए थे। उस दिन के बाद से सब बदल गया। और दूसरे आरोपी रामू के माँ ने कहा कि रामू केवल 10वीं तक पढ़ा है और थोड़ा ऊंचा सुनता है और अभी कुछ दिन पहले ही एक दूध के प्लांट में काम मिला था। यहीं से करीब 10 किलोमीटर दूर है, दिहाड़ी पर काम मिला था, साइकिल से आता और जाता था। सुबह 7:30 से 1:30 बजे तक तो वह दूध के प्लाट पे ही रहता था। जब घटना हुई तब भी वह वहीं था। आरोपी संदीप भी दिहाड़ी मजदूर है, रोज सुबह पास के ही चौराहे पर लगने वाली मंडी में जाकर लाइन लगाता है ताकि कुछ काम मिल जाए। उसके चार बच्चे हैं। परिवार वाले बताते हैं कि बच्चों को यही कहकर समझा रहे हैं कि पापा शहर गए हैं, कुछ दिन में आएंगे। लौकुश के परिवार वाले भी कह रहे हैं कि उसका कसूर नहीं है। बाद में परिवार वालों को नार्को टेस्ट के बारे में बताया गया। नार्को टेस्ट के बारे में संदीप के परिवार का कहना है, अगर कोई ऐसा टेस्ट है जिससे सच और झूठ साफ साफ पता चल जाता है तो हम चाहेंगे कि ये टेस्ट हो। अगर वे दोषी हैं तो फांसी पर लटका दीजिए, लेकिन अगर नहीं है तो हमें चैन से जीने दीजिए। दोस्तों ऐसे जो दरिंदे होते हैं उन्हें कोई ऐसी सजा देनी चाहिए ताकि कोई भी ऐसा करने से पहले करोड़ों बार सोचे। दोस्तों आपका इस मामले में क्या मत है कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।